गुड मॉर्निंग फ्रेंड, यूट्यूब के इस डेटा टेक्निंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और बेसिक की जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें यह वीडियो नंबर 8। आशा करता हूं कि आपने इसके पहले के जो 7 वीडियो हैं वो कंटिन्यूसली देखे होंगे, उसके ऊपर जो असाइनमेंट्स दिए हुए होंगे वो भी आपने सॉल्व किए होंगे और हर एक असाइनमेंट के साथ आपको आंसर की भी मिल जाती है, तो आप आंसर भी आंसर की के साथ मैच कर सकते हो। कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो 8 नंबर जो है बेसिक सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको हर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, इवेल्यूएट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। इस सिंप्लीफिकेशन का जो स्टेप्स आप बना पाओगे वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और आप इसे शॉर्टकट लेके भी अपने क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 100 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाय 50। अब क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले लेफ्ट साइड के जीरो से लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे जीरो कट करवाइए। तो यहां पे देखो एक और जीरो है 50, ऊपर नीचे के जीरो लेफ्ट साइड के जीरो कट करवाइए। ऊपर नीचे मतलब एक नीचे जीरो है और एक ऊपर भी जीरो है, तो आप ये इसका जीरो इसके जीरो के साथ कट कर दीजिए। तो अभी क्या हो रहा है कि यहां पे ऊपर क्या बचेगा, 100 इंटू 20 डिवाइड बाय 5। हमने रिडक्शन वाले वीडियो के अंदर सीखा था कि हम किसी भी नंबर को रिड्यूस कैसे करते हैं, फ्रैक्शन को कट कैसे करते हैं। तो यहां पे 5 है और यहां पे 20 है, तो 5 4 20 होता है, तो 5 4 20। वैसे भी 4 आंसर किसके पास जाएगा, हमेशा बड़े नंबर के पास जाएगा। तो अब ऊपर क्या बच रहा है, 100 इंटू 4 इज इक्वल टू 400। तो ये आपका आंसर हुआ। वैसे भी नीचे 1 बचेगा बट नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 50 इंटू 200 डिवाइड बाय 100। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पीछे जो दो जीरो आ रहे हैं उसको हम कट कर देंगे। तो ऊपर बच रहा है 50 इंटू 2 और नीचे बचा 1। अब नीचे 1 बचा है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 50 इंटू 2, एक शॉर्टकट दिया था मैंने आपको, 5 2 10 और ये 0 आ गया, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, 30 इंटू 40 डिवाइड बाय 10। हम इस जीरो को कट कर लेते हैं तो ये हो गया 30 इंटू 4, 3 4 12 और ये 0 यहां पे आ गया। नीचे 1 बच रहा है बट उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 400 इंटू 500 डिवाइड बाय 50। हम पहले 0 0 कट कर लेते हैं, 400 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 5। अब मुझे मालूम है कि 5 के टेबल में 50 आते हैं तो ये कट हो जाएगा, तो 400 इंटू 10, 4 1 4 1 2 3 1 2 3। बहुत ही सिंपल आसान कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप एक बार ध्यान से देखोगे तो भी आपको आ जाएंगे। वैसे भी जब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि हमें जीरो कहां से कट करना है, तो एक बार फिर से बता दूं, आपको ऊपर नीचे जीरो कट करवाने हैं, 1 1 2 2 3 3, तो बस ऐसे ही जीरो कट करवाने हैं आपको। 9000, ऊपर क्या बच रहा है 2, नीचे 1 बच रहा है बट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 9 2 18, 1 2 3, ये आपका आंसर हो गया। नए पेज पे चलेंगे,
एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं हम, L 800 इंटू 200 इंटू 900 डिवाइड बाय 72, 1, 2, 3, 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, ऊपर क्या बच रहा है? 800, 2 और 9, और नीचे क्या बच रहा है? 72। आपको मालूम है 9 के टेबल में 72 आते हैं, 9 8 जा 72, राइट? तो हम पहले इसको कट कर लेते हैं, 9 8 जा। तो अब ऊपर 800, 2 और ये 8। अब मुझे मालूम है कि 8 के टेबल में भी 8 आते हैं, 8 के टेबल में 8 आते हैं, तो 8 1 जा 8, ऊपर क्या बचा? 100, 2 इज इक्वल टू ये 200 आंसर हो गया। अभी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, पी वाला क्वेश्चन लेंगे, थोड़ी वैल्यूज उसकी ज्यादा है, अगर हम कट कर पाएंगे। काफी आसान से क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो यहां पे एक चीज क्लियर दिख रही है, 14 के टेबल में 56 आते हैं, तो 14 4 जा 56 होता है, 1 2 1 2 1 2 1 2, ऊपर क्या बच रहा है? 28, नीचे 48, यहां पे 42 और 14, और यहां पे 4 बच रहा है, नीचे 1 बचेगा, बट कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे 1 बच रहा है तो ये 4 के नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मुझे मालूम है 14 2 जा 14 3 जा, तो ऊपर क्या बचा? 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, ये आपका आंसर हो गया। चलो आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है, यहां पे 5600 इंटू 2600 इंटू 4500 डिवाइड बाय 150 140 130, 1 2 3, जितने जीरो हो सकते हैं इतने कट करा दो, ताकि नंबर आपका छोटा हो जाएगा, कट करने में आसानी रहेगी। नीचे 15 बच रहा है, 14 और ये 13, ये सारे नंबर एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, कैसे मैं बता दूं? 14 के टेबल में 56 आते हैं, 14 4 जा, 15 के टेबल में 3 जा से 45 आता है, और 13 के टेबल में 2 जा से 26 आता है। तो ऊपर 4 बच रहा है, 2 जीरो बच रहे हैं, 2 और 3, शॉर्टकट बताया था मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में, 2 3 जा 6, 4 6 जा 24, और ये 2 जीरो, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफिकेशन सॉर्ट करना है, सॉल्व आउट करना है। मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर सिंप्लीफिकेशन तो होगा, बट उसके अंदर थोड़ा क्वेश्चन का जो लेवल है या क्वेश्चन लेवल थोड़ा हाई रहेगा। चलो एक काम करते हैं, इसी वीडियो के अंदर इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ताकि आपको नए वीडियो में ना जाना पड़े, हम इसमें इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। हम कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन करेंगे, यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 में आपको जो असाइनमेंट दिया हुआ है मैंने, उसमें क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्वेश्चन है बी,
तो 50 इंटू 25 डिवाइड बाय 75। ऐसे जो राउंड फिगर वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, जिसके अंदर जीरो ज़्यादा नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको उनके फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो मुझे मालूम है कि ये 10 फाइवज़ा होता है 50, और ये 5 फाइवज़ा होता है 25। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। और मैं 75 को लिख रहा हूँ 5 फाइवज़ा 25, और ये 3 5 5 75 3 75 5 5 25 10 5 50। अब इसको हम कट कर देते हैं, 5 5 कट हो गया, 5 5 कट हो गया, ऊपर क्या बच रहा है 10, और नीचे क्या बच रहा है 3। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने फ्रैक्शन वाले सीरीज में बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको मिक्स में लेके जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप मिक्स में नहीं जानते हो कैसे लेके जाना है तो आप मेरे फ्रैक्शन वाले वीडियो जरूर देख लीजिए, 3 3 9 + 1 10। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एच 90 × 180 डिवाइड बाय 72। आपके टेबल्स एकदम काफ़ी अच्छे होने चाहिए ताकि आपको नंबर देखने के बाद तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि कौन किसका मल्टीपल्स है। यहाँ पे देखो 18 और 9 दोनों के टेबल में 72 आता है, तो हम एक काम करते हैं 9 से उसको कट करा देते हैं। 9 8 जा 72, तो ऊपर क्या बच रहा है 1 8, एक ज़ीरो इसका और एक ज़ीरो इसका, और नीचे क्या बचेगा 8। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये थोड़ा फनी मैटर है कि आप देखते हो कि 8 8 आ रहा है तो आप इसको 8 1 जा 8 से कट कराते हो। ये गलत है, क्योंकि अगर वो नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा अकेला तो ही आप इसको कट करा पाओगे। यहाँ पे 8 नहीं है, 18 है या 1800 है, तो आप पर्टिकुलर एक नंबर को या एक डिजिट को डिजिट से कट नहीं करा सकते, तो इस बात का ध्यान रखना है। वे वापस इम्प्रॉपर में आ रहा है, इसको मिक्स में लेके जाना होगा। नंबर बड़ा है इसलिए मैं मिक्स में नहीं कर रहा हूं, मगर आपको कर रहा है। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं यहां से, 200 × 50 / 100। आसान सा क्वेश्चन है, 0 0 कट करा दे रहा हूं, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 50, 2 5 10, और ये 0 यहाँ पे आ गया, ये आपका 100 आंसर हो गया। वीडियो कैसे लग रहे हैं, अगर आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, ये हमारे लिए एक तरह का मोटिवेशन का सोर्स होता है, तो आप कमेंट जरूर लिखिए। एन वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, 900 × 200 / 400। अभी 0 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 900 × 2 / 4। 2 के टेबल में 4 आते हैं, मैं कट कर देता हूँ, तो 900 / 2। ये वापस इम्प्रॉपर है, आपको इसको इम्प्रॉपर से मिक्स में लेके जाना होगा। नेक्स्ट एक अच्छा वाला क्वेश्चन लेता हूं जो आपको समझ में आ जाए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, असाइनमेंट में से है, क्वेश्चन नंबर 20 का पी क्वेश्चन, 25 × 625 / 125। जिनको टेबल आते हैं उनके लिए ये काफी आसान काम है, 25 के टेबल में 5 जा 125 होता है, तो ऊपर बच रहा है 625 / 5। अब 5 के टेबल में 625 जा कब आता है, 125 जा से आता है, तो 125 / 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 125 आंसर आ गया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 जा 625 होता है। अगर आपको ये पता रहेगा
तो ही आप ये सम कर पाओगे। नेक्स्ट दो तीन सम और लेते हैं, वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाओगे। थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका असाइनमेंट था, क्वेश्चन नंबर 20 का ए बी क्वेश्चन, उसमें 9 × 81 × 27 दिया हुआ है, डिवाइड बाय 8100 दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करना है? एक भी जीरो नहीं है तो जीरो लास्ट तक चलेंगे। मैं इसके फैक्टर निकाल लेता हूँ। देखो फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, आपको 81 क्लियर दिख रहे हैं, हम उनको डायरेक्ट कट कर लेते हैं। ये 81 कट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 9 × 27 डिवाइड बाय 100, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा और ये 100 हो जाएगा। फिर से फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, 3 जा 9 होता है, 9 जा 27 होता है और 27 3 जा 81 होता है। यहाँ पे 27 9 जा है तो आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, टू 43 बाय 100। यहाँ पे एक रूल लगेगा, डिवीजन आ रहा है, 100 हो रहा है, डिवीजन में हम पॉइंट को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं, पॉइंट यहाँ पे होगा तो दो जंप करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूं, वीडियो की लेंथ काफी 17 मिनट तक हो चुकी है, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 असाइनमेंट का 20 में से एस वाला क्वेश्चन है, 24 × 12 × 16 डिवाइड बाय 12 × 18। नंबर्स डायरेक्टली दिख रहे हैं, मल्टीपल्स कुछ मल्टीपल्स में आ रहे हैं, जैसे 12 × 2 = 24 तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचे 12 16 और नीचे बच रहा है 18। अब 2 के टेबल में 9 × 9 = 18 होता है तो मैं लिख देता हूँ 12 × 16 डिवाइड बाय 9। अब इसे फैक्टर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, 3 × 4 = 12 होता है और 6 × 3 = 18 होता है और यहाँ पे 3 × 3 = ये 18 है यहाँ पे, तो 3 × 3 = 9 कर सकते हो आप, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 6 × 3 = 18। 3 कट हो जाएगा, 3 कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच रहा है, 3 × 4 × 6 = 24। आप चाहो तो स्टार्टिंग से भी आप 18 को 18 से कट करा सकते थे तो आपको डायरेक्टली इजीली आंसर मिल जाता, मगर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इसलिए हमें इसको आगे तक लेके जाना पड़ा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। बेसिक का सीरीज बनाने की पहली बार हमने कोशिश की है और आपके कमेंट्स आएंगे, आपकी लाइक बढ़ेगी, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए वीडियो देखने से पहले एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। नेक्स्ट हम नए वीडियो के अंदर नया कंटेंट के साथ आपको वीडियो बताएंगे और तब तक के लिए बस इतना ही। गेट इन टच विथ अस और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।